नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही चैनल लवण्या होम एंड गार्डन में। तो आज जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में अपना दिखाया था कि मैंने रेन लिली के बल्ब परचेज़ किए थे, तो आज मैं उन्हीं को रिपोर्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि दो दिन से तो मेरी तबीयत थोड़ी ढीली थी तो मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन आज मुझे लगा कि रात में ही टाइम मिला है तो मैं रात में ही रिपोर्ट कर दूँ। और आपको मैंने कुछ लिलियम लिली के बल्ब परचेज़ किए थे, वो भी आपसे शेयर करने थे, तो मुझे लगा आज की वीडियो में ये दोनों चीज़ें ठीक रहेंगी। तो पहले रेन लिली बल्ब की रिपोर्टिंग कर देते हैं। उसके लिए देखिए, मैंने आपसे कहा था मैं सॉइल मीडिया आपको दिखाऊंगी, तो आप ध्यान से देखिए। ये मेरे पास गार्डन सॉइल है और ये मेरे पास मैंने लीफ कम्पोस्ट और वर्मी कम्पोस्ट दोनों मिला ली हैं, और ये मेरे पास कोकोपीट है। इस वक्त मेरे पास अभी सैंड नहीं है तो मैंने सैंड नहीं मिलाई है। अगर आपके पास सैंड हो तो आप सैंड मिला सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इन तीनों में ये साफ़ वाला है तो देनेली के बल्ब हैं, क्योंकि फंगस ना लगे इसलिए मैं इनमें ये साफ मिला दूँगी, थोड़ा सा डाल दूँगी, जिससे जिसकी वजह से ये इसमें फंगस नहीं लगेगी। ठीक है, और अब मेरे पास ये कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं तो मैं ये डाल दूँगी ताकि थोड़ी सी ग्रोथ अच्छी हो जाए। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। और इन सबको अब मैं मिक्स कर लूँगी। तो देखिए, मैंने ये सब कुछ मिक्स कर लिया है और ये सब कुछ मिक्स हो गया है। अब मैंने जो तीन बल्ब लिए थे मैं आपको दिखा दूँ। तो देखिए, ये मेरे पास तीन पॉट हैं और जो डार्क लिली का था उसे मैं बड़े पॉट में लगाऊंगी। तो मेरे पास एक दो तीन ये पॉट हैं, ये तीनों पॉट मैंने भर लिए हैं। और इन्हें लगाना कैसे है, वैसे तो आप लोगों को सब कुछ पता है, फिर भी मैं कैसे लगाती हूँ मैं बता दे रही हूँ। जैसे ये मेरे पास दो रोज़े परफेक्शन हैं, ये देख सकते हैं आप, रोज़िया परफेक्शन टू पीस है। तो अब क्या करना है, इन्हें मैं ऊपर का ये जो दिख रहा है थोड़ा सा इसे काट दूँगी। अगर आपके पास कैंची है तो आप इस तरह से कैंची से काट दीजिए थोड़ा सा। देखिए, मैं इसे भी यहाँ से काट दूँगी। और अब इसको, ये जो पॉट है हमारा, बस थोड़ी थोड़ी दूर पे इसको बस ऐसे इसको लगा दिया मैंने, क्योंकि ये ज़्यादा है नहीं मेरे पास, दो ही ये ठीक है लगाया। थोड़ा सा इसका जो नोड एरिया है ये ऊपर रखिएगा, ठीक है, तो ये नोड एरिया ऊपर हो गया। अब हल्का सा इसको स्प्रिंकल कर दिया, एक बार इसको टैप कर देंगे, देखिए यहाँ पे, और बस ये लग गए हमारे टैप करने और ये लग गए हमारे बल्ब। देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर जो ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा दिखना चाहिए। पूरा बल्ब अगर आप लगा देंगे तो रूट आउट होने की दिक्कत होती है, पर अब ऐसे लगाएंगे तो यहाँ से ही स्प्राउट निकलेंगे। इसका अपडेट मैं आपको देती रहूँगी, अभी मैं सिर्फ आपको लगा के दिखा रही हूँ। तो ये हो गया, ठीक है। वाटर मैं अभी समेटने के बाद सबको एक साथ दूँगी, और उसके बाद देखिए पहचानूँगी, इसलिए मैं रख दे रही हूँ अभी, ताकि जब मैं इस पर मार्कर से नाम लिखूँ तो मुझे पता चले। और ये है एप्रिकॉट, देखिए इसमें तो छोटा सा है, देखिए तो ये भी बस इसी तरह से। ये मैंने लगा दिया इसमें, और ठीक इसी तरह इसमें भी लगा देंगे। और इसमें लगाएंगे ये लिली पाई, ये देख रहे हैं आप, ये लिली पाई के बल्ब लगाएंगे। ये देखिए, मैं पास से दिखा देती हूँ आपको, ये लिली पाई के बल्ब हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, बहुत महंगी हो जाती हैं, ये मिलती हैं, बस इसको थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया, बस ये हो गया। और ये वाले जो थे ये डार्क पिंक वाले थे, जो
और आप देखिए ये जो डार्क पिंक वाले थे ना ये बल्ब, ये जो मेरे पास 10 थे वो मैं इस बड़े पॉट में लगा दूँगी। मे बी ये फ्लावरिंग मुझे ना दें, लेकिन नेक्स्ट ईयर मुझे इनकी फ्लावरिंग मिलेगी ज़रूर। तो और इसमें ये अगले सीज़न तक ये खा पी के मोटे हो जाएंगे बल्ब। तो मैं लगा देती हूँ ऐसे राउंड राउंड करके सारे। और इसका अपडेट भी मैं आप लोगों को देती रहूँगी कि क्या है क्या नहीं है सब कुछ। वीडियो में बस इस तरह से इसको लगा देंगे। तो एक बार टैप कर दिया हमने, टैप करने के बाद हल्का सा इसको डाल दूंगी। तो ये मेरे रेन लिली के जो चारों बल्ब मैंने लिए थे वो मैंने आपको लगा के दिखा दिए। तो इसी तरह से आप भी चाहें तो सॉइल मीडिया रख सकते हैं। आपको मैं अगर अपना यहाँ का सॉइल मीडिया दिखाऊं तो ये देखिए ये कितना ज़्यादा पोरस है। ये देखिए ये इसको आप लड्डू बनाइए तो लड्डू नहीं बन रहा है। अगर ये लड्डू बन जाएगा जैसे ये मिट्टी की, देखिए ये मिट्टी गीली मिट्टी, इसको अगर हम ऐसे, ये देखिए ये वाली मिट्टी है, इसमें जड़ें नहीं फैलेंगी, इसमें बिल्कुल भी जड़ें नहीं फैलेंगी और पौधा आपका क्या होगा, मर जाएगा। तो हमेशा जो मिट्टी है वो आपकी इस तरह नहीं होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए पोरस। ये देखिए ये टूट जा रही है। जब ऐसी हल्की मिट्टी होती है ना, जब सॉइल मिक्स ऐसा हल्का होता है तो जड़ें फैलती हैं। मैं हमेशा आपको अपने हर वीडियो में यही कहती हूँ कि मिट्टी हमेशा पोरस होनी चाहिए ताकि आपका पौधा जो है वो अच्छे से बढ़े, ग्रोथ अच्छे से होगी तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग खुद ब खुद अच्छे से होगी। तो ये देखिए ये है। तो गाइस ये था आज का रेन लिली रिपोर्टिंग का वीडियो, और मुझे आपके साथ कुछ बल्ब भी शेयर करने हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी बट नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं फिर आपसे फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।